नमस्कार, MSW कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एम्स न्यू दिल्ली ने अपना बीएससी ऑनर्स और जो अदर कोर्सेज हैं उनके लिए अपना प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस प्रोस्पेक्टस को नहीं देखा है तो मैं आपको स्टेप बता दूँ कि कैसे आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो इस कोर्स है इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, साथ में इसकी जो डेट्स है इम्पोर्टेंट और फीस और सीट्स है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप जो प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको aimsexams.org इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको जो है इस प्रकार का आपकी साइट खुल जाएगी। फिर आपको एकेडमिक कोर्सेज पर जो है क्लिक करना है। जब आप एकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे MSc का प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है, लेकिन आपको एकेडमिक कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो उसके बाद आप जो है BSc नर्सिंग का और BSc ऑनर्स से रिलेटेड जो भी आप कोर्सेज की जानकारी चाहते हो वो सभी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके सारे कोर्सेज की जानकारी आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। जब आप जो है यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे जो कोर्स ऑफर्ड कर रही है एम्स, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इन सब का प्रोस्पेक्टस एक ही है, BSc ऑनर्स का, BSc पोस्ट बेसिक का और जो है रेडियोग्राफी का भी, इन सब का प्रोस्पेक्टस जो है पैरामेडिकल का एक ही है। तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करोगे तो आप वो प्रोस्पेक्टस को जो है चेक कर सकते हो। तो हम किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे हम MBBS पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद जो है इस प्रकार का प्रोसीड बटन आएगा, आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ID है, यूनिक कोड है, वो भर के आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपको पहले ही कर लेनी चाहिए थी। ये प्रोस्पेक्टस आ गया है, जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें आपको BSc प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। तो जो एम्स है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इसके बारे में इस प्रोस्पेक्टस में आपको सारी जानकारी दे रखी है। प्रोस्पेक्टस 2020 के नाम से जो है ये आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो जो एम्स न्यू दिल्ली है वो 7 प्रकार के कोर्सेज दे रहा है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, कोर्स इन डेंटल हाइजीन और BSc कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ये 7 कोर्सेज जो है आपको एम्स न्यू दिल्ली से आप कर सकते हो, और इनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन। और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डेट है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो एम्स भुवनेश्वर है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, और BSc इन ऑपरेशन थिएटर, BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी MTRT, इसके अंदर जो है रेडियोथेरेपी के अंदर, इन इन सब के अंदर जो है ये BSc के कोर्स अवेलेबल हैं। साथ में ऋषिकेश जो एम्स है उसके अंदर जो है ये सारे के सारे कोर्सेज आते हैं। अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद चलते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। अगर आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उसकी जो डेट है वो पहले ही जा चुकी है, तो 12/12/2019, तो ये डेट थी जब आपको इस तक का इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन जो है करवा लेना चाहिए था। क्लोजिंग डेट, अब ये जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। स्टेटस, अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन था अगर आपने ये करवा रखा है तो ही आप जो है आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करवाया तो आप जो है इस फॉर्म को आगे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो
कोड जो है जनरेट 14 तारीख को स्टार्ट हो चुके हैं और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अगर आपने ये कर लिया है तो आप इसको जो है क्लोजिंग डेट हो चुकी है इसकी। अगर आपने अब जो है बेसिक आपके पास कोड है और बेसिक आपने जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप इसको आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेटस अगर आपको देखना है कि आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको डेट दी गई है 22 अप्रैल 2020 की। तो फाइनल नर्सिंग के लिए ये थी और फाइनल स्टेटस पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए और पोस्ट बेसिक के लिए, इनके लिए भी सेम डेट रहेगी। लास्ट डेज है सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको बता दिया जाएगा कि किस वजह से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट किया है, उसमें किस डॉक्यूमेंट की कमी थी, तो उसको आप जो है इस डेट तक 4 मई तक जो है आप अपलोड कर सकते हैं, उनको पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक के, नर्सिंग के जो एडमिट कार्ड है वो उसकी वेबसाइट पर 13 तारीख को अपलोड कर दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें पोस्ट बेसिक की और पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो उसके लिए 15 तारीख को आपको जो है एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बीएससी नर्सिंग है पोस्ट बेसिक के लिए 6 जून 2020 को एग्ज़ाम होगा 10 से 11:30 का। वहीं अगर बात करें हम पैरामेडिकल की, तो 20 जून का एग्ज़ाम है और बीएससी नर्सिंग के लिए 28 जून का जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि डेट इम्पोर्टेंट कौन सी रहने वाली है, सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या रहेगी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए नई दिल्ली में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके को देखते हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा और मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो होगी 6 जून को सैटरडे। जो एक्सपेक्ट डे पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, स्टेज वन का रिजल्ट जो है 13 जून को, यानी कि 13 जून को वो है अपलोड कर दिया जाएगा 1 हफ्ता बाद। वहीं इंटरव्यू और पर्सनल असाइन जो असेसमेंट है वो 23 जून को जो है होनी है। फाइनल रिजल्ट जो है वो 29 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भुवनेश्वर के लिए और ऋषिकेश के लिए वो कौन कौन से कोर्सेज है ये उसी के डिटेल्स दे रखी है। साथ के साथ अगर जो है अगर बात करें हम जितने भी सारे एम्स है बीएससी नर्सिंग के जो कोर्सेज है उसके लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम सभी का 28 जून को होने वाला है। वहीं जो डेट है वो 7 जुलाई को रिजल्ट आपका आ जाएगा। वहीं फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग और ये अभी इनकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद इन चीज़ को जो है डिक्लेयर किया जाएगा। 2 काउंसलिंग होगी, 2 काउंसलिंग के बाद एक ओपन काउंसलिंग भी होगी जिसके अंदर जो सीट्स रह जाती है उनको भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए पहली और दूसरी काउंसलिंग के अंदर कुछ बच्चों ने जो है एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर किसी वजह से उनका किसी और कोर्स में एडमिशन हो गया तो उन्होंने इसको छोड़ करके तो वो दूसरे कोर्स में चले गए और ये सीट खाली रह जाती है, तो उसके बाद इन सीटों को भरने के लिए एक काउंसलिंग और होती है। ये इस काउंसलिंग में जो है अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं बात करते हैं अब फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो 1500 रुपये है। ओबीसी के लिए भी और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 1200 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अगर डिजेबिलिटी है तो आपकी कोई फ़ीस नहीं है, डिजेबिलिटी में आपकी सारी फ़ीस माफ़ है। तो वहीं पर बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स हैं, तो दिल्ली के अंदर तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है उसके अंदर 24 सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज आपको ये सीट्स आप देख सकते हैं। वहीं मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी की बात करें, रेडियोग्राफी की बात करें, तो उसमें 11 सीट्स हैं। और ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट बीएससी डेंटल की बात करें तो 10 सीटें हैं, डेंटल हाइजीन की 5 सीटें हैं और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 6 सीटें हैं। वहीं बात कर ले भुवनेश्वर की मेडिकल लेबोरेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी की 13 सीटें हैं
वहीं ऑपरेशन थिएटर एंड एनालिस्ट की इनकी 13 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी सीटें चेक कर सकते हैं कि कौन से कोर्स की, कौन से जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कितनी सीटें हैं। ये सभी सीटें यहाँ पर दी गई है। ये दी गई है BSc कोर्सेज ऑफ एम्स ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कौन से कोर्सेज आपको जो है उपलब्ध करवाता है और उसके अंदर टोटल कितनी सीटें हैं। तो टोटल अगर बात की जाए तो 69 जो सीट्स अवेलेबल है BSc के ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश के अंदर। वहीं बात कर ले BSc ऑनर्स जो नर्सिंग कोर्स है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें हैं। तो टोटल अगर नर्सिंग की बात की जाए तो टोटल 571 सीट्स हैं जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, और अलग अलग कैटेगरी की सीट्स इस प्रकार रहेगी। वहीं बात करते हैं अब कितना टाइम का कोर्सेज होते हैं ये सारे, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि उनके कोर्सेज, उनकी ग्रेजुएशन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो इस प्रकार का जो है इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्टोमेट्री है वो 4 ईयर की है, और जो रेडियोग्राफी है वो 3 ईयर की कोर्स है, वहीं डेंटल का है जो 3.5 का, और डेंटल हाइजीन का 3.5 ईयर का है, जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है वो 3.5 की है, नर्सिंग करना चाहते हैं पोस्ट बेसिक तो वो है 2 साल का कोर्स। वहीं नर्सिंग 4-7 एम्स जो अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो 4 ईयर का कोर्स है। वहीं बात करें जो है एम्स भुवनेश्वर की, तो उसके अंदर जो कोर्सेज है वो इस जो ड्यूरेशन उनकी दे रखी है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको कोर्स अच्छा लगता है, आपके टाइम के हिसाब से आपको ये कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या कितना, किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आएंगे। तो टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा और 4 सब्जेक्ट के अंदर से आने वाला है। अगर आप बात कर रहे हैं BSc नर्सिंग की, कॉमन टू ऑल एम्स, सभी कॉमन, सभी के लिए सेम रहेगा। फिजिक्स के अंदर से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी 30 मार्क्स के, और बायोलॉजी के अंदर 30 मार्क्स के। वहीं अगर GK की बात करें तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके इसमें से आने वाले हैं। तो ये बैचलर ऑप्टोमेट्री के सबकी जानकारी आपको दी गई है। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को मार्किंग को लेकर के, उनको डाउट रहता है। तो करेक्ट अगर आपका जो क्वेश्चन होता है, अगर आपका रिस्पांस बिल्कुल सही है, आपका आंसर करेक्ट है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर वहीं अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। वहीं अगर आप रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं या फिर कोई आंसर नहीं देते तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ना आपको नंबर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस और अदर एक्सपेंसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं सभी कोर्सेज के अंदर। BSc नर्सिंग के अंदर जो है फीस जो है 600 रुपीज़ है और ड्यूरेशन 4 ईयर की है। तो ये फीस तो बिल्कुल ही कम है, फीस कोई ज़्यादा नहीं है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर बस अगर आपका नंबर पड़ जाता है तो कोई ज़्यादा फीस नहीं है। हॉस्टल रेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 480 रुपीज़ है 4 ईयर के लिए, पर ईयर जो है आपके ये, और 4 ईयर का ये कोर्स दे रखा है आपको। तो ये आपका कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, बिल्कुल कम फीस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो यही सारी डिटेल्स थी ये इस प्रोस्पेक्टस के अंदर, और भी बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी है। आप इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़िए, रजिस्ट्रेशन की डेट को बिल्कुल ध्यान में रखिए ताकि आपसे कोई भी डेट मिस ना हो जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए।